फ्लेवरफुल फ्रेश फ्रूट से बनाएंगे, तो किससे बनाएंगे हम गमी कैंडी, तो चलिए देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शेफ शुभांशु गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ दोस्तों में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं गमी कैंडी बनाना। तो गमी कैंडी बनाने के लिए मैं यहाँ पे पाइनएप्पल ले रहा हूँ। पाइनएप्पल को इसे कट कर लेते हैं। इसका हमें जूस नहीं चाहिए, इसका हमें पल चाहिए। पल के साथ हम इसे ब्लेंड करेंगे। इसे मैं क्यूब्स में कट कर ले रहा हूँ ताकि ब्लेंड करने में आसानी हो। जूस का यूज नहीं करना है, पूरा पल्प चाहिए हमें। बात कर रहे हो, ध्यान रखें। गमी कैंडी बनाने के लिए आप कोई भी फ्रूट का यूज कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट का, जिसमें पल्प हो, लाइक मैंगो या वाटरमेलन हो, या कोई भी पल्पी फ्रूट हो जिससे आप जिसका आप पल्प निकाल सकें, उससे हम गमी कैंडी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आज पाइनएप्पल यूज कर रहा हूँ। चलिए इसे पहले मैं क्यूब्स में कट कर ले रहा हूँ और फिर इसे मैं डायरेक्ट जार में डाल दूंगा ब्लेंड करने के लिए। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। अब जार ले लेते हैं और जार में हम सारा जो है पाइनएप्पल का पल्प डाल देते हैं और इसे ब्लेंड कर लेते हैं। इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना है, पहले से इसमें रस है, ये ब्लेंड हो जाएगा आसानी से। अब इसे लॉक करके इसका पल्प बना लेते हैं। तो अब ये ब्लेंड हो गया है, इसी में ये हाफ भी हो गया है, इसी में हम साथ में सारा ऐड कर देंगे ताकि सारा मिक्सचर हमें एक साथ ही मिल जाए। एक साथ इसे ब्लेंड कर ले। आप चाहे तो ब्लेंड करने के बाद इसे जो है छान भी सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार और इसे ब्लेंड कर लेते हैं। अब एक बाउल ले लेते हैं, इसमें हम अराउंड 100 ml पानी ऐड करेंगे और इस पानी में हम ऐड करेंगे अगर अगर पाउडर या जेलेटिन पाउडर हम ऐड करेंगे। अगर जेलेटिन नहीं है, जेलेटिन जेल आता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर अगर पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। ये अराउंड यहाँ पे 3 टेबलस्पून हम अगर अगर पाउडर का यूज़ करेंगे, जो हमारा गमी बनाने में काम आएगा, जो हेल्प करेगा गम बनने में। इसे हम मिक्स कर देते हैं ताकि कोई लम्स ना रह जाए। अच्छे से इसे मिला लेते हैं। ये देखिए पहले से ही जेली बनने लग गया था इसमें। इसे पहले अच्छे से डिसॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए अलग से मैं इसे पानी में डिसॉल्व कर रहा हूँ। ये एकदम कॉर्न स्टार्च की तरह होता है, ये एकदम चिपकने लगता है सरफेस पे, इसे गुल्ठियों की तरह पड़ने लगता है। इसे पहले अच्छे से डिसॉल्व कर ले अलग से पानी में। तो ये लीजिए, अच्छे से ये डिसॉल्व हो गया है और कितना थिक लग रहा है देखने में ही। ब्लेंड करने के बाद इसे हम डायरेक्टली हीटिंग पैन में डाल देंगे। इस कुकिंग में हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, ऑल टाइम मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है। पाइनएप्पल पल्प ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप शुगर और इसे अच्छे से डिसॉल्व कर लेते हैं। साथ में हमें शुगर को अच्छे से डिसॉल्व करना है, ये मेल्ट होगा, फिर पहले पतला होगा, फिर उसके बाद थिक होना स्टार्ट होगा। अगर आपकी चीनी इसमें साफ नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन का स्लाइस डाल सकते हैं ताकि ये जो एकदम क्रिस्टल की तरह दिखने लगे, एकदम शीशी की तरह एकदम क्लीन दिखने लगे। और अगर आप में इस तरह से वाइट वाइट ये फ्रॉथ आ रहा है तो आप इसे निकाल सकते हैं छन्नी की हेल्प से, इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे फ्रॉथ को अलग कर लिया है इस तरह से, आप अलग कर ले ताकि ये क्लीन दिखे और क्रिस्टल की तरह दिखे ये। तो ये देखिए कितना पल्प क्लियर हो गया है, पाइनएप्पल पल्प इतना क्लियर हो गया है। इसी तरह से सारा जो है क्लीन कर ले आप, जो भी ऊपर फ्रॉद आ रहा हो। अब ये देखिए चाशनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, थोड़ा थोड़ा थिक भी होने लग गया है। अब साथ में हम ऐड करेंगे ये अगर अगर का लिक्विड, इसमें हम ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम किए रहेंगे हम, हाई फ्लेम हमें नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पर हमें बस 5 मिनट इसे स्टर करना है, इसे अच्छे से चलाते रहें लगातार, मीडियम फ्लेम पे लगातार इस तरह चलाते रहें ताकि इसका जो है कलर भी मेंटेन रहे और ये अच्छे से मिल जाए इसमें। ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है थिक होना स्टार्ट हो गया है, बस 2 मिनट हमें और थिक करना है। ये देखिए इस तरह से एकदम गम की तरह ये फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। जब ये ठंडा हो तो एकदम जो है गमी की तरह, एकदम कैंडी की तरह ये फॉर्म हो जाएगा। इस तरह पहले लगातार चला ले 2 मिनट अच्छे से। देखिए ये तैयार हो गया है, ये देखिए डिप इस
स्टार्ट हो गया है, ये पूरा फॉर्म नहीं हो रहा डिप, इसका मतलब ये तैयार हो चुका है मोल्ड में डालने के लिए। चलिए अब इसे मोल्ड में डाल देते हैं सेट होने के लिए। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर ट्रे लिया है जिसमें मैं सेट करूँगा। इस पर मैंने पैचमेंट पेपर लगा लिया है, इस पर हम सारा मिक्सचर जो है डाल देते हैं सेट होने के लिए। लीजिए ये अच्छे से इसमें डिप हो गया है। अब ट्रे को हम थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि कोई एयर पॉकेट्स हो वो हट जाए और क्रिस्टल एकदम अच्छा सा बबल फ्री जो है गमी हमारा सेट हो जाए कैंडी। तो अब इसे हम एक घंटे तक रेफ्रिजरेट कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए प्रॉपर, फिर उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो लीजिए गमी कैंडी हमारा सेट हो गया है, पाइनएप्पल गमी कैंडी। चलिए इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। मैंने पैचमेंट पेपर इसीलिए निकाला लगाया था ताकि निकालने में आसानी हो। देखिए कितने आराम से ये बाहर आ गया है। चलिए अब इसे हम कट करते हैं। इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो चलिए अब कैंडी को कट कर लेते हैं। कैंडी को कट करना आपके ऊपर टोटल डिपेंड है। आप रेक्टेंगल में कट करिए, क्यूब में कट करिए या स्क्वायर में कट करिए। मैं यहाँ पे क्यूब्स में कट कर रहा हूँ। तो ये कट हो गया हमारा क्यूब। तो ये देखिए ये क्यूब्स में अच्छे से निकल गया है हमारा गमी कैंडी, पाइनएप्पल गमी कैंडी। अब इसे हम कैस्टर शुगर में कोट करेंगे। तो सारे गमीज को हम जो है कैस्टर शुगर में डिप कर देते हैं, कोट कर देते हैं अच्छे से। आपको और बड़े कैंडी रखने हैं तो और बड़े कैंडी आप कट कर सकते हैं, या छोटे रखने हैं तो आप और छोटे कट कर सकते हैं। तो चलिए ये हम अच्छे से कोट करके साइड निकालते जाते हैं। तो लीजिए हैंडमेड पाइनएप्पल गमी कैंडी तैयार है। इसे चलिए सर्व करते हैं और एंजॉय करते हैं। एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। और भी नई रेसिपी सीखने के लिए जुड़े रहें देखेंगे आपको दोस्तों के साथ।